myself Lori, Maths teacher of Daffodil Public School. Now we are going to start chapter 7 of class 7. Okay, chapter 7 is linear equation one variable. Class 7 का chapter 7 है जो linear equation one variable. इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि equation क्या होता है, linear equation क्या होता है, solution क्या होता है, rules क्या होते हैं, transposition क्या होते हैं. Okay, one by one हम लोग सारे topic पर discuss करेंगे. Now start linear equation. An equation is a statement of equality which contain one or more unknown quantities. Okay, equation क्या एक statement है जो हमारी equalities को contain करता है, एक और एक से ज्यादा quantities को. Just for take example, से समझिए आप लोग, अगर x plus 5 equal to 50, तो ये क्या हुआ? अगर x plus हम 5 करें, x plus 5 करें, तो ये expression है, ना कि equation है. जैसे ही इसमें हम equal to लगा देंगे और 15 यहाँ लिख दिए, यानी कि ये टर्म जो है वो क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे. ठीक है, अब इसमें है कि x क्या है, तो x आप जान रहे हो क्या है, वेरिएबल होता है. x इज वेरिएबल और 5 इज कांस्टेंट. कहने का मतलब कांस्टेंट कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट. और वेरिएबल, वेरिएबल आप अल्फाबेटिकल लेटर को कोई भी ले लीजिए, कोई भी करेक्टर लिया उसका वेरिएबल का, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी आप ले सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट एक आपका लाइन ये डिफाइन कर रहा है, अन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी का ये स्टेटमेंट है विच कंटेन वन और मोर अनोन क्वांटिटीज. ठीक है, फिर नेक्स्ट है ए अन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ लीनियर पॉलीनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. जैसे कि अगर यहाँ पर x प्लस 5, तो इसकी पावर क्या है, इसके पावर हम पूछ रहे हैं x प्लस 5 या x प्लस 7 इक्वल टू 4. ठीक है, इसकी पावर क्या है, इसके पावर 1 है. 1 कभी भी शो नहीं होता है, हिडन रहता है. अगर यही x स्क्वायर प्लस 7 रहता इक्वल टू 14, तो क्या यहाँ पर ये पावर क्या है, स्क्वायर है. लेकिन नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. जिसके पावर 1 होते हैं वही आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का था. वन वेरिएबल मीन्स यहाँ पर वन वेरिएबल, अगर यही रहता x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल यूज हुआ, तो ये लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल में चला गया. लेकिन हम लोग को पढ़ना वन वेरिएबल, यानी कि जिसमें वन वेरिएबल, अगर y प्लस 3 इक्वल टू 6, तो क्या है, ये वन वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा. इस एग्जाम्पल 7x प्लस 3 इक्वल टू 5, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इक्वेशन में, वन वेरिएबल. इट मीन्स लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. यहाँ भी देखिए y y y ही है, सेम है, तो वन वेरिएबल. अब है नेक्स्ट हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक द इक्वेशन ए ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन. यानी कि कोई भी वैल्यू, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 50. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, अगर वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम x को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका 15, इधर प्लस है, इधर आके माइनस, ये क्या हो गया 10. तो ये क्या हो गया 10, क्या हो गया, x की वैल्यू होती है. तो अगर x की वैल्यू रखने पर, अगर यहाँ पर हम x की जगह पर 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, क्या दोनों स्टेटमेंट को ट्रू है, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15. तो ये दिखाया आपका कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक द इक्वेशन ए ट्रू स्टेटमेंट, अगर दोनों ट्रू स्टेटमेंट पर वो बनता है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन है, या उसको हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं. अब है कि इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है. फर्स्ट रूल है आपका, द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी. हम देखें दूसरा, हम आपको एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहे हैं. जैसे अभी तो एक हम लोगों ने माना था, अभी हम ए मान रहे हैं, ए प्लस 6 इक्वल टू 26. ठीक है, तो द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड. अगर हम इसमें ऐड करते हैं, थोड़ा दूर लिखते हैं, हम सीधा लिख रहे हैं ए प्लस 6 इक्वल टू 26. ठीक है, फर्स्ट रूल है आपका, द सेम क्वांटिटी विन कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन. अगर हम इसको प्लस 1 कर दें और इसमें भी प्लस 1 कर दें, तो हमारी इक्वालिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है. पूछिए कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
साइड में ऐड करेंगे तो उससे हमारी क्वालिटी और कोई चेंज नहीं होता है। फिर सेकंड रूल भी वही है कि एडिशन की जगह पर हम अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे लेकिन बोथ साइड जो भी करना है बोथ साइड, तो इससे भी कोई चेंजिंग इक्वालिटी में नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ माइनस वन है तो ये तो माइनस वन इधर का माइनस वन इधर क्या हो जाएगा प्लस वन, तो फिर से ये कट गया तो हमारी क्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। फिर थर्ड रूल भी आपको वही है, बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर ये इक्वेशन है हमारा ए प्लस इक्वल टू 26, इसमें अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे नॉन जीरो नंबर से, यानी कि जीरो छुड़ा के कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, सपोज एक हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब ये इधर का 4 इधर जब आएगा तो ये फिर से क्या हो गया आपका बताइए, फिर से वो कोई चेंजिंग आपकी क्वालिटी को वो नहीं करेगा। तो यही है आपका बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंज। फिर सेम वही चीज कि अगर हम यहाँ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड भी अगर हम दोनों साइड में करेंगे नॉन जीरो नंबर से, यानी जीरो छुड़ाते हैं, तो हमारी क्वालिटी को कोई भी चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन। ओके, तो व्हाट इज ट्रांसपोजिशन? एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू अदर विद ए चेंज इन इट्स साइन। अगर कोई इक्वेशन, जैसे इक्वेशन हम ले रहे हैं a प्लस 5 इक्वल टू 25, ओके, तो जैसे ही हम यह y 5 को मिडल भेजते हैं तो 5 अभी हमारा प्लस में है, इधर आप अपना साइड को जैसे ही चेंज किया वो क्या हो गया माइनस में हो गया, तो आपका ये ट्रांसपोजिशन जो है वो यही आपका शो कर रहा है कि हम कोई भी टर्न को अगर हम इधर से एक साइड से दूसरे साइड की तरफ अगर करते हैं तो वो अपना साइन क्या करता है चेंज कर लेता है, और उसके अदर्स विद हैव चेंज इन साइन दिस डज नॉट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट, और उससे हमारी क्वालिटी स्टेटमेंट की क्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपोजिशन। अब ये हो गया आपका आपका फिटनेस क्लास में हम इसका एक्सरसाइज चैप्टर 7 का एक्सरसाइज वो हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद करना है।